जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, यदि आप बीएड कर रहे हैं या बीएड कर चुके हैं या बीएड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि यदि आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं तो आप किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं या आप जो ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप किस किस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं यदि हम ग्रेजुएशन के बाद में बीएड करते हैं तो हम किस किस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आप अपना ग्रेजुएशन के बाद में बीएड कंप्लीट करते हैं तो जो आपकी टीजीटी की वैकेंसी आती है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आई हुई है तो उसमें लगभग 2200 वैकेंसी जो है वो किसके लिए है, अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद में बीएड किया है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यदि आपने अपना ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में आपने बीएड किया है, यानी कि आपने पीजी के बाद में बीएड अपना कंप्लीट किया है, तो आप किसके लिए, पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, पीजीटी के लिए आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ यदि आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद में आपको 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो अभी केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी निकली हुई है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए भी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने जब ग्रेजुएशन के बाद में बीएड कर लिया है और उसके बाद में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो तब भी आप एलिजिबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने पहले ग्रेजुएशन किया उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद में फिर आपने बीएड किया तभी आप एलिजिबल हैं, ऐसा नहीं है। यानी कि आपके पास में डिग्री होनी चाहिए किस किस की। यदि आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास में बीएड होना चाहिए। यह मैटर नहीं करता कि आपने बीएड पहले किया या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पहले किया है। आप बीएड के बाद में भी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, यानी कि आपने अपना पीजी किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारी वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी की हम बात करें, यानी कि ज्यादा संख्या में जो वैकेंसी आती है वो टीजीटी के लिए आती है, पीजीटी के लिए थोड़ी सी कम आती है, लेकिन जो सैलरी है वो सैलरी किसकी ज्यादा होती है, वो पीजीटी की ज्यादा होती है। तो यदि आपको पीजीटी का टीचर बनना है तो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर कंप्लीट करें। यदि आपने बीएड कर भी लिया है तो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन आप जरूर कंप्लीट करें, उसके बाद में आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको वाइस प्रिंसिपल बनना है, प्रिंसिपल यानी कि आपको 8 साल का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो यदि आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।